एक और खुशी का मौका हमारे ज़िला में जो नई चीज़ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तहत आज एक हाईटेक पॉली हाउस जो कि एक नया आविष्कार, मैं तो कहूँगा नया आविष्कार है हमारे कठुआ ज़िला के लिए। ये हिमाचल में हमने देखा था, हरियाणा में देखा, बाहर देखा, लेकिन आज जहाँ हमारा सौभाग्य है कि ये एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं ये पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं और नई नई चीज़ें, और हमारे यहाँ के चीफ राजीव जी, संजीव राय जी, हमारे मुरारी जी, हमारे अशोक जी, जितने भी भाई एग्रीकल्चर के सारे, तो बहुत ही हर, आपने भी देखा होगा कि हर 2-3-4 महीने में एक नई चीज़ लाते हैं, तो ये एक बड़ी ही हमारे लिए अच्छी बात है कठुआ ज़िला के लोगों के लिए कि जो हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस ये बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अगर एक नाल के अंदर को हमारे यंग जनरेशन जो पढ़ लिख के अच्छी पढ़ाई भी की है, लेकिन सबको नौकरी तो इतनी जल्दी संभावना नहीं है, लेकिन जब तक वो नौकरी में ना जाए तब तक ये जो एक नाल में अगर ये फार्म ये पॉली हाउस लगा लें वो हाईटेक, तो 22 से 24 लाख रुपया वो पर ईयर कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है नौकरी में भी और इंडिपेंडेंट, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी से थोड़ी सी मेहनत है थोड़ा सा, बाकी ये साथ एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे ऑफिसर हैं सारे उसको पूरी मदद करेंगे। हाईटेक पॉली हाउस का आज माननीय वाइस चेयरमैन श्री रघुनंदन सिंह बबलू जी के करकमलों से, हाथों से उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मॉडल रहेगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सभी किसानों के लिए कि वो कैसे इस तरह के हाईटेक पॉली हाउस, जिसका कि हमारे पास फंड्स भी हैं और DLC कमेटी में डिप्टी कमिश्नर साहब द्वारा 7 या 8 जो हैं ये सेंक्शन भी हुए हैं, लेकिन इवन सेंक्शन जो हुए हैं उन किसानों में भी एक दिल में ऐसा था कि हाईटेक पॉली हाउस क्या होता है, कैसे होता है, इसका कैसे ये चलेगा, इसकी कार्रवाई या बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारे पास कुछ पैसे थे, मैंने DO एक्सटेंशन हमारे श्री मुरारी लाल जी उनको कहा और उनके प्रयास से ये एक हाईटेक पॉली हाउस का छोटा नमूना हमने यहाँ एस्टेब्लिश किया है CO कॉम्प्लेक्स में, और सभी किसानों को भी बुलाया है, खासकर जिनको केस सेंक्शन हुए हैं उनको भी बुलाया है और ये दिखाया है। मैं समझता हूँ कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में या हमारे सूबे में ये पहला एक छोटा हाईटेक पैड एंड
ये हाउस होगा जिसमें के किसान देख पाएंगे कि ये 500 स्क्वायर फीट के जो किसानों के लिए हमने सेंक्शन किए हैं वो कैसे कार्रवाई होगी और कैसे चल पाएंगे। इसमें एक्जोटिक वेजिटेबल्स की अच्छी नर्सरी, जो कि नॉर्मली अच्छे किसान जो हैं वो इंडो इसराइल नर्सरी है हमारे पास करतारपुर में, वहाँ से लाते थे, या जम्मू में कहीं एक्जोटिक वेजिटेबल की कुछ ही दुकानों में नर्सरी मिल पाती थी। हमें आशा है कि हम वो सारी एक्जोटिक वेजिटेबल की नर्सरी की सप्लाई जो है इस पोली हाउस से कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो सेंक्शनड हमारे हाईटेक पोली हाउस हैं, जब वो बन के तैयार, 7 इस साल का हमारा टारगेट है 7 हाईटेक पोली हाउस, अगर वो 7ों के 7 पोली हाउस जो हैं हाईटेक तैयार हो जाते हैं तो उससे नर्सरी के साथ साथ एक्जोटिक वेजिटेबल भी उगा पाएंगे। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी जो 0% हमारी एक्जोटिक वेजिटेबल में थी नर्सरी उगाने की क्षमता, उसको हम बढ़ा के थोड़ा कुछ योगदान कर पाएंगे। और इवन एक्जोटिक वेजिटेबल जो है लोकल यहाँ मंडियों में सप्लाई हो पाएगी यहाँ से, और यहाँ की लोगों की नीड जो है, ज़रूरतें जो हैं पूरी हो पाएंगी। धन्यवाद।